गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन लेके आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जियो का स्मार्टफोन है, जियो डिजिटल लाइफ लिखा हुआ है और यहाँ बहुत सस्ता स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। और मेरे पास गाइस बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि कोई सस्ता स्मार्टफोन दिखाए जिसमें जियो सिम चल जाए। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं जियो का डिजिटल लाइफ फ़ोन आ चुका है और ये माइक्रोमैक्स और जियो ने मिल के बनाया हुआ है। तो गाइस आज मैं इसी फ़ोन को अनबॉक्स करूँगा और आपको दिखाऊँगा इसकी मैं आपको कौन सी सिम चलाने को मिलने वाला है। तो गाइस आपको इसमें बता दूँ जियो की सिम आप इसमें डाल सकते हैं और फुल वोल्टी एलटी फोन इसमें आपको मिलने वाला है। तो गाइस इस फोन को आज मैं अनबॉक्स करूंगा जो कि जियो का स्मार्टफोन है। इसमें आप जियो की 5G सिम भी डाल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो स्मार्टफोन आए हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास एक और फोन आया हुआ आईटेल का है जो मैं आपको यहाँ इसी के साथ में बताने वाला हूँ। तो गाइस इन्हीं फोनों को मैं आज अनबॉक्स करूंगा और अगर आपको सस्ता स्मार्टफोन लेना है जिसमें आपको जियो सिम चलानी है तो गाइस इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो गाइस मैंने फोन कुछ इस तरीके से लगा रखा है जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे दो फोन है, दोनों मैंने लगा दिए। यहाँ भारत 2 प्लस इसमें फुल वोल्टी एलटी फोन आपको मिल जाता है जिसमें आपको एलटी वोल्टी यानी कि दो जियो सिम भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जियो डिजिटल लाइफ जिसमें आपको जियो सिम डालने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस एक एक करके दोनों फोन में अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो चलिए गाइस दोनों फोन में एक साथ। तो गाइस फ़ोन देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकिंग में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से फ़ोन दिखाऊंगा, तो फ़ोन के बाद इसके आपको अंदर के सारे फीचर्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस ये फ़ोन देख सकते हैं और ये दूसरा फ़ोन भी मैं आपको दोनों एक साथ ही दिखाऊंगा। तो ये गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स लिखा हुआ है। तो माइक्रोमैक्स और जियो ने यहाँ पे मिलके बनाया जो मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। जियो डिजिटल लाइफ लिखा हुआ है और दोनों बॉक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो माइक्रोमैक्स ने और जियो ने इसे मिलके बनाया हुआ है और ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। यहाँ देख सकते हैं इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो आपको 4.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। फ्रंट और बैक में आपको कैमरा मिलता है जिससे आपको अगर वीडियो कॉलिंग करनी है तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और फ्लैश लाइट भी साथ में आपको मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है और इधर देख सकते हैं आपको एक स्पीकर मिल जाता है जिससे आपको गाने सुनने या लाउड स्पीकर करके ऑन करके बात करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऊपर के साइड में इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे LG 3500 का आपको चार्जर भी मिल जाता है। तो ये आपको स्मार्टफोन है, इसमें बैटरी डालेंगे और आपको दिखाएंगे और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो मेरे पास दूसरा फ़ोन है यहाँ पर आईटेल का है, जियो इनसाइड इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी आपको जियो सिम डालने को मिलने वाला है। लेकिन ये फ़ोन आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले में मिलने वाला है, ये फ़ोन आपको 4.5 इंच की डिस्प्ले में मिलता है। तो चलिएगा इसमें आपको दोनों एक साथ ही दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले इसमें बैटरी डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस इसके अंदर आपको क्या कुछ और मिला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे बैटरी मिल जाती है, जो ये बैटरी आपको मिलती है 1700 mAh की। तो गाइस ये माइक्रोमैक्स कंपनी का है, तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स कंपनी का यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोमैक्स और माइक्रोमैक्स और मिलके इसे दोनों ने बनाया हुआ है। तो चलिए गाइस मैं और दिखा लेता हूँ आपको क्या कुछ मिला हुआ है। तो एक तो यहाँ पे केबल मिल जाती है, LG 3500 की आपको केबल मिलती है और एक यहाँ पे बुकलेट मिल जाती है। और इस फ़ोन के अंदर मैं आपको ये चीज़ बता दूँगा, 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है गाइस, ठीक है। और एक यहाँ पर अडेप्टर भी साथ में मिलता है, चार्जर अडेप्टर भी साथ में मिल जाता है। तो चलिए गाइस मैं आपको एक बार बैटरी यहाँ से डाल के दिखाता हूँ और इसके अंदर के सारे फीचर्स भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस एक एक करके दोनों में एक बार बैटरी डालते हैं और आपको अंदर का सारा कुछ दिखाते हैं। तो गाइस बैटरी डालने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आप यहाँ पे दो सिम डाल सकते हैं, एक नैनो एक माइक्रो और एक यहाँ पे SD कार्ड भी आप डाल सकते हैं, यानी कि मेमोरी कार्ड डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और दो सिम आपको इसमें डालनी है। इसका जो मॉडल नंबर है माइक्रोमैक्स Q402+ इसका मॉडल नंबर है। 2 EMI नंबर भी इसमें दिए हुए हैं और 1 साल आपको वारंटी इसमें मिल जाती है। तो चलिए गाइस जल्दी से इसमें बैटरी डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया दोनों फ़ोन इसी तरीके से, दोनों एक साथ ही मैंने खोले हुए हैं। तो यहाँ पर जो बैटरी है 1700 mAh की, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो गाइस ये मैंने बैटरी यहाँ पे डाल दी है, जैसे कि देख पा रहे हो ये जो बैटरी माइक्रोमैक्स की है वो मैंने डाल दी है यहाँ पे और ये फ़ोन चालू होने वाला है। तो गाइस इसको चालू करेंगे, इससे पहले मैं आपको कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बॉक्स में लिखे हुए हैं वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों फ़ोन कुछ इस तरीके से हैं जो मैंने साइड में यहाँ रख दिए है। जब तक ये चालू होगा मैं आपको इसके बॉक्स में कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगे मोबाइल तो आप ईजिली इसे ले सकते हैं। कैसे आपको बुक करना है, क्या ऑफ़र मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देता हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भारत 2 प्लस फुल वोल्टी एलटी फोन है और ये जो इसका मॉडल नंबर है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स का है यहाँ पे Q402+ इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है और यहाँ देख सकते हैं ये फ़ोन अभी चालू हो चुका है। तो आपको मैं
मैं साथ के साथ इसके फंक्शन बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये डिवाइस लॉक लिखा हुआ दिखा रहा है, तो आपको ये इसलिए दिखा रहा है कि इसमें आपको जियो सिम ही डालनी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक आप जियो सिम नहीं डालेंगे यहाँ पर जियो डिजिटल लाइफ, यानी कि जब तक जियो सिम नहीं डालेंगे ये फ़ोन डिवाइस चालू नहीं होगा। तो एक आपको जियो सिम ज़रूर डालना है, दूसरा आप कोई और डाल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डिवाइस लॉक प्लीज़ वैलिड जियो सिम टू अनलॉक डिवाइस, यानी कि अगर आप जियो सिम डाल देते हैं तो ये डिवाइस अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब मैं आपको यहाँ से फंक्शन कुछ बता दूँ और आप इसमें क्या ऑफर मिलता है ये बताऊँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। मेरे पास दूसरा फ़ोन भी है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो गाइस इसके अंदर आपको 1 GB रैम मिल जाती है और 1 GB की रैम मिलती है, 1750 mAh बैटरी है, 8 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड इसके अंदर मिल जाता है और इसका जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे 5 MP का कैमरा मिलता है और जो फ्रंट कैमरा है वो 2 MP का आपको यहाँ से मिल जाता है। देख सकते हैं आपको जो फुल वोल्टी LTE फ़ोन मैंने बताया था आपको, वो फुल वोल्टी LTE फ़ोन है तो इसलिए आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड्रॉयड सिस्टम आपको पूरा मिलेगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप चला सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं GPRS सिस्टम वगैरह ये सब आपको मिल जाता है। 1700 mAh की बैटरी है। यहाँ देख सकते हैं इसकी MRP अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4499 रुपये, लेकिन ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो 1799 रुपये का लॉन्च हुआ था और काफ़ी सस्ता है। आज भी ये फ़ोन सस्ता है, इसमें MRP थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है। अगर आपको इससे अच्छा मोबाइल चाहिए तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे Itel का फ़ोन है, जियो इनसाइड इसमें लिखा हुआ है और ये 5.5 इंच की डिस्प्ले में आपको ये फ़ोन मिल जाता है। ये फ़ोन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एक देखो यहाँ पे 5.5 यानी कि 1.7 यानी कि 5.5 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। फेस अनलॉक आपको यहाँ से मिल जाएगा, फुल वोल्टी LTE फ़ोन है। अगर 2 SIM आप जियो डालना चाहते हैं तो आप 2 SIM भी आपको 4G डालने को मिल जाएगा। A23 Pro इसका मॉडल नंबर है और ये फ़ोन आपको बहुत सस्ता मिलता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले कुछ इसके फंक्शन है वो मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं आपको इसका जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 5.5 इंच की डिस्प्ले है, 2400 mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है और फेस अनलॉक इसमें मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन आपको 10 का मिल जाएगा जो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फुल वोल्टी LTE आपको फ़ोन मिल जाता है और रियर कैमरा LED फ्लैश के साथ में आपको कैमरा मिलता है, 20 फ्लैश के साथ में। और ये देख तो यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है, 1 GB रैम मिलती है, 8 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये फ़ोन भी बहुत ही सस्ता है, जो मैं आपको इसकी MRP वगैरह दिखाऊंगा। और ये आपको मैं बता दूं, ये जो फ़ोन है ये गाइस आपको फ़ोन मिल जाता है मात्र 3500 रुपये का फ़ोन मिलता है और ये फ़ोन आप ये Amazon Flipkart पे आप सर्च कर सकते हैं इस फ़ोन को, और ये A23 Pro नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है और इसमें जो डिस्प्ले साइज़ है वो बड़ा है। इसमें भी आपको जियो सिम एक डालनी होगी वैलिड, यहाँ पे लिखा है जियो इनसाइड, तो आपको जियो सिम जब डालेंगे तभी आप दूसरी सिम इसके अंदर डाल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये वाला लें, ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। ये वाले फ़ोन की जो डिस्प्ले साइज़ है वो छोटा है, तो गाइस अगर ये फ़ोन लेते हैं तो आपको इसमें डिस्प्ले भी बड़ा मिलेगा, फ्रंट बैक में आपको कैमरा मिल जाता है विद फ्लैश के साथ में, ठीक है। तो गाइस ये फ़ोन भी अच्छा है और ये फ़ोन Amazon Flipkart पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके इसे अभी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और अगर गाइस जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए गाइस।